नहीं लगाया जा सकता। मैं चाहती हूँ आप इनके लिए दिल खोल के तालियां बजा दीजिए। तारिक अहमद शेरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले मैं कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन ख्वाजा फारूक रिजवी शाह को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने ये आज का जो यहाँ पर टू डे ग्रैंड कॉन्फ्रेंस रखा। हमेशा उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स को भी उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया। जब मैं एक स्कूल में एज ए टीचर था, वहाँ पर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था, तो वहाँ पर फारूक साहब आए थे एज अ चीफ गेस्ट एक फंक्शन में। वहाँ पर उनके साथ मुलाकात हुई, तो वहाँ पर मैं एज अ टीचर काम करता था। फिर वहाँ पर भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए थे। वहाँ पर फिर फारूक साहब ने मुझे सरपरस्ती की, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। तो उसके बाद जब मैंने जो सर के साथ मुलाकात हुई थी फर्स्ट मुलाकात, फिर उन्होंने मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बोला कि आप ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। उस टाइम जो मेरा जो एंजल्स कल्चरल एंजल्स ड्रामेटिक इंस्टीट्यूट नाम था, उस टाइम में ड्रामास और अलग अलग प्रोग्राम्स करता था। फिर उन्होंने मुझे इसका वो बोला कि आप इसका नाम एंजल्स कल्चरल एकेडमी रखो। उसके बाद मैंने शुरुआत की 2015 से। मैंने इसके जरिए से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं माशाल्लाह। आज मैंने बहुत सारे, आज तक मैंने लगभग मोर देन 100 प्रोग्राम्स किए, उसके भी ज़्यादा मैंने बहुत सारे अलग अलग स्कूलों में कॉलेजों में मैंने प्रोग्राम्स इनकाद किया है। यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ पर प्रोग्राम किया था, गांधी कॉलेज में, एसपी कॉलेज में, टाइगर हॉल में बहुत सारे फंक्शंस मैंने किया है और बहुत ही कामयाब रहा है। उम्मीद करते कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में मैं और भी प्रोग्राम्स करूंगा अपने एंजल्स कल्चर एकेडमी, जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके साथ साथ हमें इसी साल एक ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हुई है, शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, इंशाल्लाह उसके जरिए से हम इन फ्यूचर में बहुत सारे प्रोग्राम्स का इनकाद करेंगे। मैं फारूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। जो ये दो दिन का जो ये फंक्शन यहाँ पर है, आज पहला है, कल सेकंड फंक्शन, सेकंड डे है इसका। बहुत शुक्रिया मैं फारूक साहब का करता हूँ। उन्होंने हमेशा से ही मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो नातिया महसूल हो, चाहे कोई यूथ रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदे भी हम ऐसे प्रोग्राम्स के इनेकाद करेंगे और फारूक साहब का जो सपोर्ट हमेशा रहेगा हमारे साथ। शुक्रिया। अब ये सारा